नमस्ते दोस्तों, मैं आरही। आरही किचन पे आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की जो सब्जी है ना, बहुत लाजवाब है। किचन में बहुत देर तक आप लोगों को सब्जियां नहीं कट करनी पड़ेगी और लाजवाब सब्जी बनेगी आलू टमाटर की। आलू टमाटर की सब्जी आपने बहुत बार बनाई होगी, एक बार इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। तो मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे अदरक है, लहसुन है, हींग है, सौंफ है, जीरा है, धनिया को साबुत धनिया जो आता है, खड़ा धनिया, उस अदरक कूट करके रखा है, हरी मिर्ची है, तेज पत्ता है और अजवाइन है थोड़ी सी, और मेथी दाना है, और यहाँ पे बड़ी इलायची, लौंग और रेड मिर्ची, और यहाँ पे है टमाटर और धनिया और आलू, क्योंकि इसी की तो सब्जी बना रहे हैं हम लोग। ढेर सारा धनिया, आलू टमाटर की सब्जी ना धनिया के बगैर हमें अच्छी नहीं लगती है। तो दो दो टुकड़े में सिर्फ आलू को चेक किया है, आलू कहीं से खराब भी हो सकती है इसलिए छिल करके कट किया है, और सिर्फ दो टुकड़े। और यहाँ पे तेल रख देंगे और सारे तड़के जो हमने तड़के बताए ना वो डालेंगे, हींग डालेंगे, जीरा, सौंफ, लौंग, बड़ी इलायची, और यहाँ पे तेज पत्ता, मेथी दाना, धनिया, अजवाइन, सारे मसालों को हम लोग डाल देंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, सारे मसाले डाल करके हल्का सा सेकेंगे। इनको हमें जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सेकना है, ठीक है। जो तड़के हमने दिखाए, जो हमने बोले, सारे तड़के हम लोग डाल देंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे इन्हें हम भूनेंगे, बहुत गैस को कम करके भूनेंगे, ठीक है, तेज आंच पे नहीं भूनना है। और अब हम टमाटर डालते हैं जो दो टुकड़ों में करके रखा है, टमाटर को भी मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं। और यहाँ पे नमक डालेंगे, नमक डालने से टमाटर थोड़ा सा गल जाता है। अब हमारा टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम आलू डालेंगे और रेड मिर्ची जो पाउडर रखा था थाली में वो डालेंगे, और हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे जरा सा ही पानी डालेंगे। ग्रेवी थोड़ी पतली बनानी है तो आप पानी ज़्यादा डालिएगा, हमें थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है। तो यहाँ पे आधा ग्लास मैंने पानी डाला है, और अब हम इसे सीटी लगा देंगे, और इसकी सीटी मैं दो सीटी लगाऊंगी, यानी कि एक सीटी तेज आंच पे लगाइए और एक सीटी गैस स्लो करके, ठंडा होने के बाद कुकर को खोलिए और चिमटे से इसके टमाटर के जो छिलके हैं हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है हमारी सब्जी में। और आलू को इस तरह से मसल लीजिए और मिक्स कीजिए, और ये देखिए अभी ये सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी कुछ तड़के बाकी हैं इसमें। धनिया के बिना ये सब्जी कहाँ अच्छी लगती, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आलू टमाटर की सब्जी में धनिया ज़रूर चाहिए हमको, किसी और सब्जी में हो ना हो। और थोड़ी सी तवे पर सेक कर इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल देना, अगर आप दाना मेथी नहीं डालते हो तो। हम लोगों ने ढेर सारा दाना मेथी डाला है, तो यहाँ पर कस्तूरी मेथी हमने नहीं डाला है। और यहाँ पर ज़रा सा देसी घी का तड़का लगाते हैं, तो देसी घी डाला, रेड मिर्ची डाला, हींग डाला, जीरा डाला, और इन्हें अच्छे से सिकने देते हैं और रेड मिर्ची डालते हैं और अपने सब्जी में तड़का लगाते हैं। अब ये सब्जी तो देखकर मुंह में पानी तो आ गया होगा। चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, कचौड़ी के साथ खाइए, जिसके साथ मन हो उसके साथ खाइए। खस्ता कचौड़ी की भी रेसिपी हमारे चैनल पे है, पूड़ी की सब्जी हमारे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों और मित्रों में शेयर कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती होगी। तो आलू टमाटर की सब्जी किसे किसे पसंद है कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ, चटपटी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।